प्लस वन कॉमर्स स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने अकाउंटिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एन अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ कंप्लीट सीक्वेंस बिगनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अलॉन्ग विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ अकाउंटिंग साइकिल। जैसे ये हमारी हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं इसमें और इस ये जो है एंड कहाँ पर होती है, तो ये पूरी हमारी एक अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में एक साइकिल चलती है कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं, कैसे उसकी एंट्रीज करते हैं और लास्ट में हम कहाँ पे जाके उसको एनालाइज करते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल जो है एक सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस वाइज जो है सारा वर्क इसमें करते हैं, ठीक है। और ये बिगनिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, बुक्स में जिसमें हम ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं उसकी, और इसको एंड करते हैं हम लास्ट जो हमारा होता है इसमें हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं जिसके साथ हम उसको एनालाइज करते हैं और हमें लास्ट में पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन फाइनल इन्फॉर्मेशन हमें जो है उसकी मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें हम फर्स्ट जो डायग्राम देखो ये दे रखा है इसमें अकाउंटिंग साइकिल का, तो हमारी जो फर्स्ट स्टार्टिंग है बिगनिंग है वो कहाँ से होएगी? ट्रांजेक्शन्स के साथ होएगी। तो हम सबसे पहले इसमें ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, देन ट्रांजेक्शन्स कहाँ की जाएंगे? डे बुक में और जर्नल बुक में, ठीक है। इसके बाद ट्रांजेक्शन्स को लेजर बनाया जाएगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, एंड देन उसको हम एनालाइज करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। तो ये हमारी एक पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है। तो हम इसको अब कोई भी हम बीच में से स्टेप इसमें से नहीं कर सकते हैं, एक हमें ये सीक्वेंस वाइज पूरी अकाउंटिंग साइकिल को करना पड़ता है। अब फर्स्ट हमारे पास है इसमें जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अकाउंटिंग साइकिल जो है वो स्टार्ट की जाती है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, और हमारे पास एक सब्सिडरी बुक होती है, ठीक है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स अपनी सारी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। देन हमारे पास क्या होती है उसमें सेकंड हम करते हैं इसमें लेजर पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट ओपन इन द लेजर। और जब हम ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक में, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स का लेजर ओपन करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं कि हमारे को ट्रांजेक्शन्स लेजर में कैसे लिखनी है, ऑल्सो नोन एज क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। और इसको क्लासीफाइंग मतलब हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी डेबिट है एंड कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट है, कब हुई है। देन उसके बाद हम लेजर बैलेंसिंग करेंगे टू मेक द क्लासीफाइड डाटा अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल, द लेजर अकाउंट एंड बैलेंस्ड और आर बैलेंस्ड और क्लोज्ड। उसके बाद जो है हम डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, जो हमने लेजर पोस्टिंग करी है, अपनी ट्रांजेक्शन्स पोस्ट की हैं, उसको हम देखेंगे कि वो है अकाउंट्स हमारे बैलेंस्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट शोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। उसके बाद हमारी पास एक लिस्ट बनती है जिसमें कि हम सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारे मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है लेजर में जो भी हमने पोस्ट किया है वो हमारे एक्यूरेट है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, क्या जानने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो है बिजनेस का या फिर जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देन उसके बाद हम बनाते हैं पोजिशन स्टेटमेंट, तो इसमें क्या बनता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस की पोजीशन पता चलती है कि हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनल स्टैंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब ये बनाया जाता है बैलेंस शीट सबसे लास्ट में, हम इसमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेवन्थ है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, जो हम
क्या करते हैं, लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है दैट द पार्टी इज़ इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज इट्स प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, इस तरीके से इसको शो प्रेजेंट किया जाता है कि जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस के साथ जुड़ी हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मतलब जितने भी लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको हमारे बिजनेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और उनको ये पता चले कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग साइकिल जो है पूरे वन ईयर की होती है। ठीक है, ये पूरे अकाउंटिंग ईयर इसको बोलते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 January to 31 December तक। ठीक है, ये पूरे साल की होती है और फ्रॉम 1 April to 31 March ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पूरा मतलब ये जो हमारी पूरी साइकिल बनती है ये पूरे 12 months की बनाई जाती है, चाहे हम इसको 1 April to 31 March शुरू करें या हम 1 January to 31 December तक शुरू करें। ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा से इसी तरीके से रिपीट की जाती है। अब ये थे हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल। अब हम पढ़